बोल दूं। चूड़ियां सुने दिया मंगिया ओके जी व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं अगले रूट पे और आगे वाली जगह पे। सो चार चूड़ियां सुने दी बाय बाय मरी। मैंने मरी में बहुत इंजॉय किया, हर चीज़ को एक्सप्लोर किया है और थैंक्स टू माय हस्बैंड। ये आराम से पकड़िए, ये हल्का सा है, ये सारा हमारा लगेज रखा जा रहा है। व्यूअर्स हाउ आर यू, मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। हमारे लाहौर में होता है रिक्शा ये वो, लेकिन ये बहुत अच्छी सवारी है। यहाँ से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यू नो। और तेज चला दे थोड़ा, बहुत ही हल्का चल रहा है। तो सुबह सुबह भूख लग रही थी तो हम यहाँ पर फिर आ गए हैं झक मारने बंदूखा में। पर हमारी बंदूखा में झक मच गई क्योंकि वहाँ पर मॉर्निंग का नाश्ता ही नहीं मिलता है। मॉर्निंग का नाश्ता नहीं मिलता, वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। अब हम जा रहे हैं कहीं और झक मारने। व्यूअर्स अब हम आ गए हैं होटल वन, अभी रिसेप्शन में जाएंगे, वहाँ से बुकिंग वगैरह जो है कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है जी, हमारा स्टे हो रहा है यहाँ पे भूरबन में होटल वन में और हमने बहुत ही प्यारा सा व्यू लिया है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये है इसकी लोकेशन और ये है इसकी लुक। होटल वन है भूरबन में और मैं आपको इसके रिव्यूज देती हूँ। यहाँ पर आना मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बड़ा अच्छा है। इन्होंने बहुत ही प्यारा सा होटल इन्होंने बनाया है और पहले तो यहाँ पर पार्किंग की स्पेस भी है जो कि हमारी गाड़ी पार्क हो गई है। और अब हम आपको ले चलते हैं अपने रूम की तरफ जो कि हमने बुक कराया था। बहुत ही इकोनॉमिकल है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मैंने पहले देखा और फिर मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बता दूं, अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर तो आ सकता है और बहुत ही इकोनॉमिकल है। सो ये है हमारा रूम। ठीक है जी, पार्किंग के बाद आप स्टेयर्स चढ़कर यहाँ पर आते हैं, ये रूम है। अब इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर छोटी सी टेबल है, आप यहाँ पर अपना बैग भी रख सकते हैं। तो व्हाट्स इन माय बैग वाला मैं आपके साथ सेशन भी ज़रूर करूँगी, आपको बताऊँगी कि मेरे बैग के अंदर क्या है। तो आइए हम आपको रूम में लिए चलते हैं। सो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये है क्यूट सा रूम जो कि हमने यहाँ पर बुकिंग करवाई है। वो है भाई, यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा सा आपको ड्रेसिंग एरिया मिलेगा जहाँ पर मैंने अपने तमाम मेकअप की किट रखी है कि मुझे कुछ भी मुश्किल ना हो मेकअप करने में। यहाँ हमारे साथ लगेज है, यह एलसीडी आपको मिलेगी लगी हुई, ऊपर से ये बहुत बड़ा मिरर है जो कि आप इसमें अपने आप को देख सकते हैं। एंड ये कबर्ड है जिसको आप ओपन करेंगे तो आपको KFC नहीं मिलेगा। ये तो हम लेकर आए थे, बट ये है कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा जिसमें कॉफ़ी है, टी है, ग्रीन टी है
वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू ड्रिंक, आप ये कर सकते हैं. आपको एक कैटल भी मिलती है और साथ में आपको एक अदद फ्रिज भी मिलता है जो कि रूम फ्रिज है. वो बॉन्ट वो एक चॉकलेट है, लेकिन जो है कि वो मैं खुद लेकर आई थी, तो ये अंदर नहीं आपको मिलती है. तो ये हमारा सारा लगेज जो है वो सारा ऑर्गेनाइज हो गया है यहाँ पर. एक अदद ये तिजोरी भी है, नमाज जाए नमाज भी है, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है जी. और तिजोरी भी, अगर आपने अपने तमाम पैसे रखने हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पर रख सकें, तो ये ठीक है जी. वॉशरूम भी आपको दिखा देती हूँ कि वॉशरूम कैसा है. तो आप कह रहे होंगे कि क्या वॉशरूम दिखाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिव्यूज़ लेने हैं इसके, तो बेस्ट है. ये वॉशरूम है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं. ठीक है, शावर एरिया है और यहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ नहीं मिल रहेगी, लेकिन जो है कि आपको एक बहुत ही अच्छी जगह मिल सकती है जहाँ पर आप बैठ कर अपना फेस वॉश कर सकते हैं. बैठ कर नहीं, खड़े होकर फेस वॉश कर सकते हैं. और ये आपको मिलता है, बॉडी लोशन मिल रहा है और आपको शैम्पू मिल रहा है. ठीक है जी. और ये मेरे हस्बैंड की हैं दोनों चीज़ें, या उनको बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होने का शौक है. तो आगे चलते हैं और बढ़ते हैं. ये चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि व्यू अच्छा आना चाहिए, और व्यू आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह पैसे पूरे हो गए. तो ये आपको एक सिटिंग एरिया मिलता है कि किसी ने अपने ने आना है तो आप उनको यहाँ पर बिठा कर टी कॉफ़ी कुछ भी दे सकते हैं. ये देखें जी व्यू यहाँ का, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है. पाकिस्तान इतना ज़्यादा खूबसूरत है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं. और लिटरली आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी नज़र आएंगे. आपको पूरा जो एरिया है पाकिस्तान है, यानी कि यहाँ पर जो मरी के इलाके हैं, आसपास जितने भी इलाके हैं आपको नज़र आएंगे. और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर खड़े होकर कॉफ़ी भी पी सकते हैं, जो कि मैं अभी पीऊँगी. और ये अपने रूम सर्विसेज में कॉफ़ी भी देते हैं और चाय भी देते हैं. कैपेचिनो कॉफ़ी मैंने अभी पी है आज, तो बड़ा मज़ा आया. तो ये एरिया है, यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो है कि वो आप फील नहीं कर सकते, वो मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा व्यू है. ठीक है, सनसेट हो रहा है और यहाँ पर शाम होने लगी है, लेकिन ये व्लॉग में भी शायद पता नहीं आप तक कब तक पहुँचे. बट मेरा ये मानना है कि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँ. और ये बेड भी बहुत अच्छा है. ठीक है जी, स्प्रिंग वाला बेड है, आप यहाँ पर फील कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील कर सकते हैं. ओके जी. सो ये रहा मेरा रूम और ये रहा होटल वन का रिव्यू जो कि भूरबन में है. आप यहाँ पर आ सकते हैं और ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिव्यूज़ दिए हैं मैंने. मैंने कोई इनकी प्रमोशन नहीं किया, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने आपको बता दी. ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे. तब तक के लिए मेरे व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये मेन्यू है रिजॉर्ट, और यहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकल चीज़ें हैं जिनमें सूप है, सैलड है, एपेटाइजर्स हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, ट्रेडिशनल है, तमाम चीज़ें ए टू जी आपको मिलेंगी. और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सैटरडे एंड संडे अगर आप यहाँ पर बुकिंग करवाते हैं तो आपको कोई ना कोई मूवी भी मिलेगी देखने को. और ये जो है ना, ये चीज़ बड़ी अच्छी मिली है मुझे. और ये सैटरडे एंड संडे को मूवी जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगी. तो अगर आपने आना है तो आप ये सोच कर आएंगे, आपने सैटरडे और संडे को आएंगे तो आपको मूवी भी देखने को मिलेगी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, और आप इंजॉय करेंगे अपने ट्रिप को बहुत ज़्यादा. और ये है भाई हमारे रिव्यूज़. तो मैं यहाँ पर आपको बैठ कर दिखाती हूँ और यहाँ पर ही हम आपको साथ अल्लाह हाफिज़ करते हैं इंशाल्लाह. सो डू राइट, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जो कि है EWQ Vlogs के नाम से, एंटरटेनमेंट विद कुरतुलैन. मुझे और मेरे हस्बैंड को अपनी दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, जो कि अभी ये टू बी कंटिन्यू जाने वाला है. आई डोंट नो व्हाई हम कहाँ और जाएंगे, कहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाएंगे. तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो थम्स अप करने हैं, और आपने मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर बताना है कि आपको ये ट्रिप मेरा कैसा लगा. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.